सईद को खुतबा पढ़ने से रोका गया। लंदन में बेखौफ घूम रहा नीरव मोदी, कांग्रेस ने कसा तज। अब खबरें विस्तार से। आखिरकार पकड़ लिया गया खूंखार बाघ को। यह घटना सागरी क्षेत्र भोपाल के एक हफ्ते में खूंखार बाघ घूम रहा था। एसआईटी टीम ने गुरुवार को दोपहर को फॉरेंसिक टीम ने दो दिन से राग के बांध के पास रह रहा था टाइगर रिजर्व स्थानीय वासियों सातपुड़ा की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार पकड़ा गया बाघ। रहवासियों ने राहत की सांस ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह 5 बजे से यह बाघ के लोकेशन के आधार पर चार हाथियों की मदद से वन विभाग अधिकारियों हाथियों पर बैठकर बाघ को घेर लिया था और इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया था। बेहोश होने के बाद पकड़ लिया गया बाघ लगभग 178 किलो का वजनीय बाघ था। पहली बार हाफिज सईद को खुतबा पढ़ने से रोका गया। जयूडे हेडक्वार्टर में पुलिस की तैनाती। मुंबई आतंकवादी हमले के सरगना हाफिज सईद को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने शुक्रवार को लाहौर जमात उद दावा जेयूडी मुख्यालय में खुतबा पढ़ने से रोक दिया है, जहां सरकार की तरफ से नियुक्त मौलाना ने नमाज पढ़वाई और साप्ताहिक खुतबा पढ़ा। करीब 2 दशक पहले जेयूडी के मुख्यालय में जामिया मस्जिद अल कदासिया की स्थापना के पहली बार ऐसा हुआ है कि सरकार की तरफ से नियुक्त मौलाना ने खुतबा पढ़ा हो। लंदन में बेखौफ घूम रहा है नीरव मोदी, कांग्रेस ने कसा तज। लंदन नेशनल बैंक में पीएनबी घोटाले को अंजाम देने वाले हीरा कारोबारी नीरव मोदी को लंदन में देखा गया है। खबर है कि वह लंदन की सड़कों पर घूमता मिला। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक बड़ी दाढ़ी में नीरव मोदी इस बात से बेखौफ है कि भारत की जांच एजेंसी उसे तलाश रही है। एक अंग्रेजी अखबार के संवाददाता के बीच सड़क पर नीरव मोदी से कई सवाल किए गए, लेकिन उसने एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। उसने सिर्फ नो कमेंट कहा है। नीरव मोदी को इस तरह लंदन की सड़कों पर बेखौफ घूमता देख कांग्रेस पार्टी ने केंद्र पर निशाना साधा है। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए एमएनएस हिंदी आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।